पुराना कैपिटल क्योटो, ये बहुत अरसे पहले जापान का कैपिटल था। उसके बाद जापान का कैपिटल ओसाका और उसके बाद अब टोक्यो है। जापान के इस प्रीफेक्चर में क्योटो में अभी तक पुराना जो जापान का कल्चर था वो इन्होंने संभाल के रखा है। अगर आप शाम को यहाँ की सड़कों पर घूमें तो जो पुराने लिबास जो ये पहनते थे किमोनो औरतें और मर्द, वो पहने काफ़ी लोग यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे हर शहर में बड़े बड़े बाज़ार हैं और ये क्योटो का सबसे बड़ा बाज़ार है। यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है खाने पीने की, और ये टर्किश रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ब्राज़ील, इंडोनेशिया, चाइना और हर अरब कंट्रीज़ के भी यहाँ पे रेस्टोरेंट मौजूद है। आज मेरा ट्रिप यहाँ का नहीं था, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये बाज़ार दिखाया कि क्योटो जो मेन सिटी है वो कितना बिजी है। हमने जाना था, यहाँ पे एक मच्छरों की बस्ती है फुनाया। फुने बोलते हैं कश्ती को, और कश्ती फुने से ही इन्होंने इस शहर का नाम फुनाया रखा है, यानी कश्तियों वाला शहर। ये एक प्यारा नुमा एक वादी सी है, वादी तो नहीं ये बे कह रहे हैं आप। चारों तरफ इसके आबादी पहाड़, पहाड़ों के किनारों पर आबादी है नीचे नीचे, और हर घर में एक मछेरा मौजूद है। घर के सामने कश्तियाँ मौजूद होती हैं इनकी, और उसी लिहाज से यहाँ पे खाने भी प्योर सी फूड के अवेलेबल हैं। यहाँ पे साइडों पे रेस्टोरेंट्स हैं और उनमें बड़े अच्छे अच्छे खाने यहाँ पे मिलते हैं। सिस्टम बहुत प्यारा है। राइट साइड पे जो घर हैं ये इनके प्रॉपर अपने जहाँ पे रहते हैं, रिहाइश रखते हैं। जो लेफ़्ट साइड पे जो घर बनाए हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ मछलियाँ पकड़ के उसको उसका प्रोसेस वगैरह, सफाई वगैरह जो भी है, पैकिंग शैकिंग और अपनी कश्तियाँ यहाँ पे पार्क करने के लिए इन्होंने जगह जगह नीचे वो पोर्च टाइप बनाए हुए हैं। ये जगह है बहुत खूबसूरत, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग काफ़ी लोग आते हैं सयाहत के लिए, घूमने फिरने देखने के लिए। यहाँ पे इन लोगों ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बना के रखा है। फेरी है यहाँ पे, एक बोट है बड़ी सारी, उसकी ये पूरा राउंड जो है ये दिखाते हैं पूरा। ये है फेरी, ये दिन में चार चक्कर लगाती है, चार ट्रिप्स बनाती है। इनका ये है कि एक भी कोई मुसाफिर हो उसको भी लेकर ये चल पड़ते हैं, टाइम फिक्स है। की बर्फ़ भी पड़ रही थी और हवा भी चल रही थी और सर्दी बहुत लग रही थी, लेकिन फिर भी सीन ऐसे थे कि कुछ भी फील नहीं हो रहा था। Thank you.
से अगर गौर से देखें तो हर घर के नीचे कश्ती खड़ी करने की एक जगह बना रखी है इन्होंने। お酢ばかけ貼ります？お願いします。ほら入れときますわね。これ、立てず。はい。